Take you up in boom, 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 shaboom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 oh. Life could be a dream. And I think I'm when you come to you. So what is up guys, assalamu alaikum, this is me Hamza and you are watching the Hamza Malik Show YouTube channel. और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सुजुकी वैगन आर, जो कि इसका पहले मैं रिव्यू कर चुका हूँ, बट वो सादी वाली थी, सिंपल वाली, और ये थोड़ी सी उससे अपग्रेड वेरिएंट है जिसे स्टिंगरे भी बोलते हैं। इससे ऊपर भी एक वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं, तो उसका रिव्यू भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब कर दें अभी तक अगर आपने नहीं किया तो। बाकी अब आपको एक्सटीरियर इंटीरियर से गाड़ी देखते हैं, स्टे ट्यून। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर। फ्रंट हेडलाइट्स की तरफ चलें तो यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स और प्रोजेक्शन लाइट्स दी गई हैं, और साथ यहाँ पे हमें बल्ब मिल जाते हैं पार्किंग लाइट के। नीचे देखें तो नीचे हमें फॉग लाइट्स प्री इंस्टॉल्ड हैं। फ्रंट बम्पर में हमें जो ग्रिल है वो ब्लैक कलर में दी गई है, और ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे वाइपर्स, जो वॉशर्स हैं वो बम्पर्स पे नहीं दिए गए, यहाँ पे साइड्स पे दिए गए हैं। और स्पेशल थैंक्स टू पीक लाइन मोटर्स फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। और अगर प्राइस की बात करूँ तो गाड़ी की प्राइस जो डिमांडेड है सेलर की तरफ से वो है 13,50,000 रुपीज़। अब साइड्स की तरफ मूव करते चलें तो हमें यहाँ पे डनलॉप के टायर्स मिल जाते हैं, और टायर का जो अलॉय व्हील्स हैं वो 14 इंचेस के हैं। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक्स और रियर पे ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। टायर साइज़ है 155/65R14। और साइड मिरर्स की बात करें तो साइड मिरर बॉडी कलर्ड है विद LED साइड इंडिकेटर्स। आई थिंक इट्स नॉट LED, बट नो, इट्स LED लाइट। साइड मिरर्स में LEDs दी गई हैं। ऊपर देखें तो ऊपर हमें एयर प्रेस प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, और फ्रंट दोनों दरवाज़ों में हमें स्मार्ट एंटी का फीचर दिया गया है। और अगर बैक, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, और जो बैक मिरर्स, बैक विंडोज़ और जो रियर विंडस्क्रीन है वो प्राइवेसी ग्लास्ड हैं। और ऊपर देखते चलें तो ऊपर स्पॉइलर दिया गया है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, और जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इल्यूमिनेट होता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वॉशर दिया गया है ऊपर, रियर स्क्रीन वाइपर, LED टेल लाइट्स हैं जिसके अंदर LEDs ग्लो होती हैं, और सुजुकी का बैज। यहाँ पे हमें स्टिंगरे और वैगन आर की बैजिंग, और इस गाड़ी के हमें एक आइडलिंग स्टॉप का फंक्शन भी दिया गया है। यस, इट इज़ द ओवरऑल बैक। बैक बम्पर्स में हमें नीचे रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। अब अगर बैक की तरफ आए हैं तो बूट स्पेस ओपन करके देख लेते हैं। बूट स्पेस में भी हमें स्मार्ट एंटी सिस्टम, स्मार्ट बूट ओपनिंग सिस्टम का बटन मिल जाता है एज यू कैन सी। और बूट स्पेस की बात करें तो वही जो सिंपल वाली वैगन आर में बूट स्पेस दी गई है, सेम बूट स्पेस है। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। अगर फ्रंट पे और बैक पे लेग रूम की अगर हम बात करें तो वो भी अच्छा है, जिसकी वजह से हमें ये जो मिल जाती है, और पीछे हमें पंचर रिपेयर किट और टूल किट मिल जाती है, और आप ये सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ से, और बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। लेट मी टर्न ऑफ इट, हियर इट इज। बैक सीट्स की तरफ मूव करें तो हमें ये चाबी ये मिल जाती है, जो कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर हमें पुश स्टार्ट का फीचर भी दिया गया है विद लॉक एंड अनलॉक बटन। और बस पीछे डोर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ग्लॉसी पैनल्स, हार्ड प्लास्टिक, और साथ यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया गया है,
डोर हैंडल्स क्रोम में हैं, नीचे बोटल स्टोरेज स्पेस और साथ स्पीकर, और जो सीट्स हैं वो फैब्रिक सीट्स हैं, ऊपर हेडरेस्ट हैं और ये आई थिंक नॉट एडजस्टेबल। अब अंदर बैठ के देखते हैं। फ्लोर बेड की बात करूँ तो बिल्कुल फ्लैट है फ्लोर बेड, और लेगरूम की बात करूँ तो आई एम 5'10" तो इतना कोई मसला तो नहीं बन रहा, लेकिन नीज टच भी नहीं कर रही। और एक चीज़ जो मैं नोट की, ये गाड़ी सिर्फ 4 पैसेंजर्स, और अगर आप एक बच्चे को साथ बिठाना चाहें तो कैरी कर सकते हैं। और पीछे हमें यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम तो काफ़ी होगा क्योंकि इट्स एन टॉल बॉय कार। अब फ्रेंड्स पैसेंजर सीट्स की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स पैसेंजर्स डोर हैंडल पे देखें तो हमें साथ ही एक स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाता है, और अगर डोर्स की बात करें तो वही ग्लॉसी पैनल्स। डोर हैंडल्स जो हैं वो क्रोम में है, नीचे बोटल स्टोरेज स्पेस नहीं दी गई जो कि हमें वहाँ पे मिल जाती है वो सामने। यहाँ पे हमें स्पीकर मिल जाता है, और अगर अंदर देखें तो यहाँ पे सर्कुलर एयर वेंट्स हैं, सर्कुलर एयर वेंट्स, और साथ उनके अंदर यहाँ पे में सिल्वर आउटलाइनिंग्स हैं, और ऊपर भी एक ग्लव बॉक्स दिया गया है। नीचे खुली स्पेस, ओपन स्पेस भी दी गई है। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है। नीचे देखें तो यहाँ पे भी हमें ग्लव बॉक्स दिया गया है, अच्छी स्पेस है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अंदर हमें 7 inch की स्क्रीन दी गई है विच इज़ नॉट टच स्क्रीन, और यहाँ पे हैज़र्ड लाइट बटन, एयर वेंट्स जिसके साइड्स पे हमें यहाँ पे आउटलाइनिंग्स दी गई हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे तरीके से ग्लॉसी पैनल यूज़ किया गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, डिजिटल डिस्प्ले है, और फ्रंट पे और रेयर पे डिफॉगर्स, आउटसाइड टेम्परेचर भी दिखाता है। और यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमें 12 वोल्ट पावर आउटलेट दी गई है। एज यू कैन सी ऊपर हमें रीडिंग लाइट्स, अगर वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर भी दिया गया है। और ड्राइवर साइड पे आई थिंक नहीं होएगा, बल्कि ड्राइवर साइड पे भी दिया गया है विद लाइट भी दी गई है ड्राइवर साइड पे। तो और ये रेयर व्यू मिरर। ड्राइवर साइड डोर की तरफ मूव करते चलें तो यहाँ पे हमें वही स्मार्ट एंट्री सिस्टम, और बड़ी कंजेस्टेड सी जगह है, यहाँ पे वही ग्लॉसी पैनल्स, और ये फैब्रिक यूज़ किया गया है, साइड व्यू मिरर्स कंट्रोल्स, और साथ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक है, बाकी तीनों नॉन ऑटोमेटिक हैं। नीचे स्पेस दी गई है थोड़ी सी, और नीचे स्पीकर। अब मैं अंदर बैठ जाता हूँ, बाहर काफ़ी शोर है, सो ये मैंने सीट बैफल पीछे कर ली है। सो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें पुश स्टार्ट मिल जाता है, यहाँ नीचे हमें इको आइडलिंग स्टॉप का बटन, और साथ फॉग लाइट्स ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। 3-spoke स्टेयरिंग व्हील जो कि लेदर स्ट्रिच्ड है, उसके साथ हमें यहाँ पे सिल्वर आउटलाइनिंग्स, क्रोम सुजुकी लोगो, फ्रंट SRS एयर बैग फ्रॉम द फ्रंट ड्राइवर एज वेल एज फॉर द फ्रंट पैसेंजर, और जो हमें स्टीयरिंग व्हील दिया गया वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और लेट मी जस्ट रन ऑन द कार, यू कैन जस्ट पुट द ब्रेक पेडल एंड प्रेस दिस बटन, हियर इट इज़। गाड़ी में फुल मीटर में स्वाइप आता है जो कि मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में दिखाया, काफ़ी अच्छी लुक देता है। RPM मीटर, साथ हमें ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज, और फ्यूल इकोनॉमी वगैरह बताता है, आउटसाइड टेम्परेचर जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। और अब मैं AC ऑन करता हूँ, और AC की थ्रो की बात करूँ, थ्रो अच्छी है। एक सेकेंड, अगर मैं थ्रो की बात करूँ तो थ्रो तो काफ़ी अच्छी है AC की,
और थ्रो काफ़ी अच्छी है, इफ़ेक्टिव है। और कूलिंग की बात करूँ तो लेट मी टर्न ऑन द एसी, ये ऑटोमेटिक है, अच्छी थ्रो भी अच्छी है, कूलिंग भी अच्छी है। अभी सर्दियों का सीज़न है तो मैंने ज़रा हीटर ऑन किया ताकि थोड़ा गर्म हो जाए जाए, और लेट मी टर्न ऑफ इट क्योंकि आवाज़ बहुत आएगी। तो अब अगर देखते हैं रेट पे हमें कैमरा मिल जाता है कि नहीं मिलता। रेयर पे हमें कैमरा नहीं मिलता, जो कि एक आई थिंक अच्छी बात नहीं है। नीचे देखें तो नीचे हमें यहाँ पे बोतल स्टोरेज स्पेस, एक ग्लव होल्डर है, साथ थोड़ी सी स्पेस दी गई है। सेंटर में आर्मरेस्ट भी दिया गया है, और उस आर्मरेस्ट में एक हमें थोड़ा सा जगह स्पेस भी दी गई है, आर्मरेस्ट है। और फ्रंट सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। और सो लेट्स टर्न ऑफ द कार, हियर इट इज। जी तो ये था आज का रिव्यू सुजुकी वैगन आर स्टिंगरे पे। इससे ऊपर भी एक वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर और टर्बो इंजन मिलता है, तो उसका रिव्यू भी इंशाल्लाह अगर कभी हाथ पड़ा उस गाड़ी पे तो उसका भी बना देंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन ऑन द सेक्शन बिलो प्रोवाइडिंग मी योर फीडबैक व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग कार। सो सब्सक्राइब कर दें लाजमी, ना सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज। I'm